आज हमारे किचन में एक डेजर्ट डिश बन रहा है, साबूदाना खीर। तो आप भी एंजॉय करें। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ साबूदाना खीर। तो इसके लिए मुझे सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी: दूध 1 लीटर, साबूदाना जिसे मैंने 30 मिनट के लिए भिगा कर रखा था 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, 1 बड़ा चम्मच घी यूज करना है मुझे साबूदाना को भूनने के लिए, काजू किशमिश थोड़ा सा, इलायची इसका सीड्स निकाल के यूज करना है, दाना यूज करना है इसका लास्ट में। तो हम शुरू करते हैं अब प्रिपरेशन। घी घी गर्म हो चुका है तो साबूदाना को डालेंगे पानी छान करके। इसे थोड़ा देर के लिए भून लेना है। साबूदाना को 3 से 4 मिनट तक भूनना है। ये हो चुका है। इसको दूध में डालना है। 30 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पकाना है। तो आधा घंटा हो चुका है, देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है और ये तैयार हो चुका है। तो हम अब चीनी डालेंगे, 100 ग्राम चीनी डालेंगे। तो ये तैयार हो चुका है साबूदाना खीर। इलायची पाउडर क्रश कर दिया है जैसे मैंने। इसे हम एक बाउल में खाली कर रहे हैं। कटा हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक में ये साबूदाना खीर तैयार है। आप भी ट्राई करें, इसे कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।